आजमी साहब आपके दशहरे के मेले से अवगत कराएंगे। अपने मित्रों को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने पूरे शहर के अंदर इस विजयदशमी के शुभ अवसर पर आपने सभी पंडालों में जाकर वहां पर आपने कवरेज दिया और वहां की जो हमारे प्रशासन की व्यवस्था उसको आपने देखा। विजयदशमी का मतलब ये है कि आज कि रावण को धर्म और अधर्म के बीच का जो संघर्ष था, जो लड़ाई थी, वहाँ पर अधर्म हारा और धर्म ने जीता। इसलिए आज ये जो जश्न, ये जो उत्सव पूरे देश में हम मना रहे हैं, वहाँ पर अधर्म की हार और धर्म की जीत हुई है। दरअसल सही बात ये है कि सत्य पर सत्य हम कभी पराजित नहीं होगा। इसलिए कि धर्म सत्य जो है ये असत्य को हराता है। हाँ, ये जरूर है कि सत्य को जीतने के लिए, असत्य को हराने के लिए सत्य को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती। रामचंद्र जी ने रावण को आज ही के दिन हराया था और आज ही के दिन राम ने अधर्मी रावण को हरा करके अयोध्या वापस आए थे। और अयोध्या वापस आने के बाद ये जो जश्न मनाया गया अयोध्या के अंदर, उसी के रूप में हम आज पूरे देश के अंदर इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में जो धर्म की जीत हुई है उसका जश्न मनाते हैं। आज पूरे देश के अंदर सत्य और असत्य के बीच, इंसाफ और गैर इंसाफ के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष में निश्चित रूप से जो सत्य है वह जीतेगा और जो असत्य है वह पराजित होगा। इन्हीं बातों के साथ ये बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्यू एज के इस चैनल ने जो ये कवरेज दिया है पूरे हमारे जनपद के अंदर, मैं उनको, आजमगढ़ जनपद के सभी हमारे जनपद वासियों को, उत्तर प्रदेश के सभी हमारे अपने प्रदेश वासियों को मैं इस विजयदशमी की मुबारकबाद, उनको हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ, उनको हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। इसलिए ये उत्सव हर साल मनाया जाता है और ये उत्सव इसलिए हर साल मनाया जाता है कि सत्य और अहिंसा, सत्य और असत्य के बीच जब संघर्ष होगा तो निश्चित रूप से सत्य ही जीतेगा और असत्य पराजित होगा। और ये दुनिया का इतिहास है और आगे भी आने वाले दिनों में हमारे सामाजिक जीवन में भी सत्य की ही जीत होगी और असत्य की हार होगी। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। साथियों, आप सभी लोगों को इस दशहरे की और विजयदशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाइयाँ। धन्यवाद। Okay.